क्या सोचते हो आप? एमएलए हो या इलेक्शन हो, देखो कोई भी आएगा वो अपने काम से आएगा, आम जनता को कोई नहीं पूछता, आम आदमी एक मिट्टी के बराबर है। हमने ये राजनीति बनाई है, हमने एमएलए बनाया, हमने सीएम बनाया, हमारी नहीं सुनता कोई, तो हमसे बुरा इंसान या उनसे बुरा कौन है? एक छोटी सी बात, इसीलिए किसी माँ बहन की यहाँ कोई इज्जत नहीं है। यहाँ से दो लड़कियाँ या चार लड़कियाँ, मेरी माँ है, मेरी बहन जा रही है ना, चार लड़के खड़े हैं, वो यहाँ के लड़के नहीं है, बाहर से आके यहाँ पे नशा लेने आते हैं वो लोग, ठीक है? यहाँ नशा हर चीज का बिकता है, दारू, गांजा, स्मैक, सब चीज बिकती है यहाँ। अगर किसी दूसरे क्षेत्र में काम करने जाएंगे तो हमारे को डर लगा रहेगा किस चीज का, कि हमारे कोई पैसे ना छीन ले, हमें कोई कुछ मार ना दे, मगर हम अपने घर में सोचते कि नहीं है तो बाहर क्या जाएंगे हम काम करने। छोटी बहन है, क्या नाम है बेटा आपका? इधर आ जाओ। अलीना। अलीना, अलीना क्या क्या डिमांड करते हो आप सरकार से? कि वो भाई को इंसाफ दिलवाए। ये बच्चा है, कल का भविष्य है, आखिर में इस बच्चे ने भी अपने भाई के लिए जो है इंसाफ मांगा है, आखिर में कानून और कानून की जो रखवाले हैं, आखिर में क्यों नहीं वो आज इस परिवार के साथ में खड़े होते, क्यों नहीं उनको इंसाफ दिलाते हैं? किया जाए, लड़की को छोड़ दिया, चाय नाश्ते हो रहे अंदर, चाय नाश्ते हो रहे, लड़की के लग्जरी गाड़ी में जा रही लड़की, लड़के लड़के के बाप ने उसको पैसे दे के मरवाया है, लड़के को मर्डर हुआ है, तो जस्ट उस लड़की के घर के सामने लाश मिली है, बिल्कुल जस्ट सामने सामने खड़े होके मरवाया उसने, दिल के अंदर ऐसे करके चाकू मारा, यूं घुमाया, दिल भी बाहर आ गया, यहाँ पे पूरी ओतड़ी होती ना सारी बाहर आ गई। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे इसी रघुवीर नगर के अंदर में ही और यहाँ के एमएलए विधायक जो है वो पास में ही है, लेकिन अभी तक उस बच्चे के जिस तरीके से आज यहाँ पर आज लोग खड़े हैं लेकिन फिर भी वो मिलने नहीं आते, ये बड़े शर्मसार करने वाली बात है। आप एमएलए विधायक, क्या नाम है उनका? दया चंदेला। अभी तक आए उन वो लोग एक बार सुनकर? नहीं आए, धन नहीं आया। चंदेला और उनकी बहू का नाम है मीनाक्षी चंदेला, मीनाक्षी चंदेला, कोई नहीं आया अभी तक। अच्छा। भाई साहब एक मिनट दे रहा हूँ, आप क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, ऐसे अगर विधायक जो लगातार वोट मांगने के लिए जब कॉलोनी में पहुंचते हैं हाथ जोड़ करके, आज जब किसी के घर के अंदर में मातम छाया हुआ है, और ऐसे में अगर राजनीति करने वाले लोग आज इस घर के ऊपर में नहीं आते तो क्या सोचते हो आप? एमएलए हो या इलेक्शन हो, देखो कोई भी आएगा वो अपने काम से आएगा, आम जनता को कोई नहीं पूछता, आम आदमी एक मिट्टी के बराबर है, ठीक है? हम अगर किसी को कुछ बनाते हैं ना, हम उनको सपोर्ट किस लिए करते हैं कि हमारे मोहल्ले में जो साथ गंदगी है, साफ सफाई है, वो सब चीज देखे, मगर कोई नहीं देखता इस चीज को, वो हम ही अपना पैसा देके हम ही करवाते हैं। आज हमारे ये हमारा घर ही है, वो मेरा भतीजा ही लगता है कहने के लिए, एक छोटी सी बात है, वो चला गया
हमारे हमारे को दुख देंगे। ऐसी बात, आप मेरी बात सुनिए, हमने ये राजनीति बनाई है, हमने एमएलए बनाया, हमने सीएम बनाया, हमारी नहीं सुनता कोई, तो हमसे बुरा इंसान या उनसे बुरा कौन है? एक छोटी सी बात है, हम जो कर रहे हैं वो हम अपने इंसाफ के लिए करते हैं कि आने वाले टाइम के लिए हमारी जनरेशन आगे तक बढ़ेगी, सीखेगी, पढ़ेगी, बढ़ेगी। मगर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सीख भी नहीं है और ना बढ़ने की कोशिश है। क्यों? हमें दो बातें बोल के ना हमें चुप करवा दिया जाता है कि आगे तुम्हारा नाम आ जाएगा तो तुम्हारे घर वालों को दिक्कत होगी। हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है हर चीज़ के लिए। इसीलिए किसी माँ बहन की यहाँ कोई इज्जत नहीं है। यहाँ से दो लड़कियाँ या चार लड़कियाँ, मेरी माँ है, मेरी बहन जा रही है ना, चार लड़के खड़े हैं, वो यहाँ के लड़के नहीं है, बाहर से आके यहाँ पे नशा लेने आते हैं वो लोग। ठीक है, यहाँ नशा हर चीज़ का बिकता है, दारू, गांजा, समैक, सब चीज बिकती है यहाँ। कौन सी जगह? पूरी बात बताना। ये रघुवीर नगर टंकी वाली झुग्गी है, ख्याला गाँव के जस्ट सामने। यहाँ का एमएलए कोई किसी की नहीं सुनता भाई, कोई किसी की नहीं सुनता। हमारी भी बहन बेटी है, हम भी यहाँ मजबूरी में रहते हैं, हमारा काम धाम यहीं से, हम कहाँ जाएंगे? अगर किसी दूसरे क्षेत्र में काम करने जाएंगे तो हमारे को डर लगा रहेगा किस चीज़ का, कि हमारे कोई पैसे ना छीन ले, हमें कोई कुछ मार ना दे। मगर हम अपने घर में सोचते नहीं है तो बाहर क्या जाएंगे हम काम करने? सबसे बड़ी बात है, आप लोग अपने घर में रह करके सुरक्षित हो? नहीं है। आप लोग कोई सुरक्षित नहीं है। दिल्ली की जनता इस समय, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि ये लड़की है, ये कहने के लिए भतीजी है, ये साहिब की छोटी बहन है, सबसे छोटी है, इससे पूछो इसकी क्या डिमांड है, ये बताएगी कि बताओ। मैं बाबू, छोटी छोटी बहन है, क्या नाम है बेटा आपका? इधर आ जाओ। अलीना, क्या क्या डिमांड करते हो आप सरकार से? कि वो भाई को इंसाफ दिलवाए। ये बच्चा है, कल का भविष्य है, आखिर में इस बच्चे ने भी अपने भाई के लिए जो है इंसाफ मांगा है। आखिर में कानून और कानून की जो रखवाले हैं, आखिर में क्यों नहीं वो आज इस परिवार के साथ में खड़े होते, क्यों नहीं उनको इंसाफ दिलाते हैं? उस लड़के के बाप को, लड़की के बाप को फांसी चाहिए। और हमें इंसाफ चाहिए, मेरा भाई चला गया, लड़की की वजह से हुआ है, लड़की को छोड़ दिया, चाय नाश्ते हो रहे, लड़की के लग्जरी गाड़ी में जा रही लड़की, लड़के लड़के के बाप ने उसको पैसे दे के मरवाया है, लड़के को उसके बाप को सजा होनी चाहिए, हम तो यही चाहते हैं, उसको फांसी होनी चाहिए। आप लोगों को पूरा उम्मीद है कि उसी घर से ही जस्ट मर्डर हुआ है, तो जस्ट उस लड़की के घर के सामने लाश मिली है, बिल्कुल जस्ट सामने सामने खड़े होकर मरवाया उसने, सामने मिली है लाश, वो इसी जगह पे मिली है। अब दिल निकाला है सर, दिल निकाला है उसका, आंखें देखती थी महक को तो आंखें फुड़वा दी, फोटो में आप देख लो, दिल धड़कता तो दिल निकलवा दिया। ठीक है, किस लिए तो किस करके आया था? मेरा मर्द था मेरा बेटा, किस करके आया था? तेरी बेटी को, तेरी बेटी ने किसके लिए बुलाया? अपने घर बुलाया है ना। अच्छा। वो तो मेरे घर नहीं आई, मेरा बेटा बुलाया अपने घर। अच्छा। किस करके आ गया तो उसने होट कटवा दी है। अच्छा। और मैं क्या बोलूं, दिल के अंदर ऐसे करके चाकू मारा, यूं घुमाया, दिल भी बाहर आ गया, यहाँ पे पूरी ओतड़ी होती ना सारी बाहर आ गई, इतना मारा, इतना मारा, इतनी जगह से जख्म करे उसके, हमें इंसाफ चाहिए बस। वो लड़की हमारे सामने आए, लड़के के माँ बाप हमारे सामने आए। अरे वो लड़की खुद थाने में जाकर बैठ गई थी नए साल वाले दिन, तो कहता इतने मैं प्यार करती हूँ और मेरे पापा मुझे प्यार नहीं करने देते, तो आई थी ये बात मेरे मरते मरते मुझे बता के गया मेरा बेटा।